जो हम वेंटिलेशन का आप लोग को ओल्ड क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, उस पेपर में ग्राम स्लैब डिफ्यूजन के ऊपर एक क्वेश्चन है और एक और मेरे पास है उसमें बायल्स और चार्ल्स लॉ के कॉम्बिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो हम वो जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर अभी जिसको हम करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन लेंगे, उसके पहले हम गेस लॉ लेते हैं। गेस लॉ में क्या क्या है, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ बायल्स एंड चार्ल्स लॉ और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो बायल्स लॉ लेंगे। बायल्स लॉ लेने के पहले हम आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहते हैं कि एक बैलून है उसके अंदर हवा भरा है और यदि उसको आप दबाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम। क्या हुआ, कम हो गया, मतलब आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। और यदि एक चीज बढ़ा तो दूसरा चीज कम हो गया, इसी को बोलते हैं उल्टा होना, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक चीज बढ़ा दूसरा चीज भी बढ़ गया उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये बायल्स लॉ में क्या बोलता है कि जो गैस है उसका टेम्परेचर को हमने बढ़ा रहा नहीं घटा रहा, मतलब कॉन्स्टेंट रख रहा है। गैस टेम्परेचर कैसा है, कॉन्स्टेंट है। और यदि उसके ऊपर जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसके ऊपर यदि प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा लगाए गए प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या लिखा है, वी इज इनवर्सली मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू R बाय पी, यहां पे R रखेंगे इंटू वन करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, V इज इक्वल टू R बाय पी, इसका बाय वन किया तो R इज इक्वल टू, मतलब R क्या है, यहां पे एक कांस्टेंट है, R क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, पी वी। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आपका K रह सकता है, R रह सकता है। ठीक है, K लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, तो कॉन्स्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज बायल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चार्ल्स लॉ। इसको याद रखेगा, काम आएगा कॉम्बिनेशन वाले में। देखिए अब बायल्स लॉ में क्या किए थे, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दिया था, किया था ना, और किसका रिलेशन देखा था, वॉल्यूम ऑफ गैस और उस गैस के ऊपर लगाया गया प्रेशर का। लेकिन ये चार्ल्स लॉ में क्या बोलता है कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, ना प्रेशर बढ़ा रहे ना घटा रहे। ठीक है, प्रेशर ना बढ़ा रहे ना घटा रहे, तो तीन चीजें हैं, पी वी और टी, कितना पी वी और टी, प्रेशर क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट कर दिया, मतलब इसका रोल है खत्म कर दिया, अब बचा क्या, V और T। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता, यदि आप देखे होंगे इनटेक एयर जो रहता है आपका वो भारी रहता है, डेंसिटी उसका ज्यादा रहता है, और आपका जो रिटर्न एयर रहता है उसका डेंसिटी कम रहता है क्योंकि गर्म हो जाता है। माइन के सरफेस से हवा एंटर किया वेंटिलेट करते हुए कहां गया वो, मेन रिटर्न में, तो बहुत सारा गर्मी और दूसरी गैसेस भी उसके साथ आ गए, उसके डेंसिटी क्या हो जाता है, कम। ठीक है, वहां तो कोई प्रेशर हमने नहीं लगाया, लेकिन गैस क्या हो गया, गर्म, और गैस गर्म होगा तो क्या होगा, वो फैलता है, मतलब फैलेगा, मतलब क्या हो गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यदि प्रेशर को आप कांस्टेंट रखे। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब क्या करेंगे, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वह इसको हटा देंगे तो वी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे के टी हो गया, तो के इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी बाय टी। ये इसको भी याद रखिएगा क्योंकि V बाय टी क्या है, किसके बराबर है, गैस कांस्टेंट के बराबर है,
और अपना चाल सला बाल सला में क्या था, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट, मान लो आर ले लिया के ले लिया की बात है, ठीक है। ये दो को याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन, इसी के ऊपर एक बार पूछा था हम फर्स्ट क्लास का पेपर देखे, मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ था, लिखा हुआ हम बता रहे क्या दिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। इसमें क्या बोलता है, P1V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2V2 बाय T2। देखिए ये आपका ये P1V1 इज इक्वल टू क्या था, P2V2। देखिए क्या लिखा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और आपका ये जो चार्ल्स लॉ क्या था, V बाय T इज इक्वल टू के है, तो V तो यहाँ पे आई गया डिवाइडेड बाय क्या हो गया T, तो यहाँ V1 है P1 है, यहाँ P2 V2 है तो T2 ले, तो T1 और यहाँ पर हो गया T2। हम थोड़ा शॉर्ट में करते चले जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो ये पूछा था, ये दिया हुआ था और बोला था ये क्या चीज है, और नाम दे दिया था किरचॉफ लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बॉयल्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। तो सही आंसर क्या था आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब देखेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखिए इसी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यदि आपको पता है तो आप कर लीजिएगा, नहीं पता रहेगा तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पहले तो डिफ्यूजन क्या होता है इसको बताने के लिए आधा घंटा लगेगा, हम दो लाइन में बताते हैं। जैसे कि आप परफ्यूम छिड़क दिया हवा में, स्प्रे कर दिया, तो क्या होगा, इस पूरे रूम में परफ्यूम का सेंट आने लगता है, स्मेल आने लगता है। कैसे आने लगा, जादू हो गया, नहीं, वो जो परफ्यूम का गैस था वो हवा में, इस कमरे के अंदर जो हवा थी उसमें घुल मिल गई। तो गैसेस का हवा के साथ घुल जाना, मिल जाना, यही डिफ्यूजन है। क्या डिफ्यूजन है, गैसेस का हवा के साथ घुल जाना, मिल जाना, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, छोटे से रूप में। लंबा चौड़ा फिर आप देखिएगा तो पार्टिकल से कोई समझेगा कि ऐसा, सॉलिड में पार्टिकल सटे सटे रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहता है, गैस में और दूर दूर रहता है, वो सब छोड़िए। अभी आपको जानने के लिए इतना कि डिफ्यूजन क्या है, गैसेस हवा में घुल मिल जाती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है वो पता करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और रेट ऑफ डिफ्यूजन कि कितना घुलेगा, उसका घुलने का क्या क्षमता रहेगा, उसी को बताया है ग्राम्स ने, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वो क्या बोलता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये R का मतलब है, यहां लिख दे रहे हैं हम, R का मतलब है रेट ऑफ डिफ्यूजन। R का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, R मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू एयर। कोई भी गैस फैलेगी तो कहां फैलेगी, हवा में ना। और ये D का मतलब क्या है, डेंसिटीज ऑफ गैसेस, डेंसिटीज ऑफ गैसेस, जो गैसेस डिफ्यूज हो रही, डिफ्यूज हो रही मतलब मिल जा रही है, उसका डेंसिटीज है। तो जो गैसेस डिफ्यूज हो रही है उसी का ना वैल्यू है। तो क्या बोलता है कि रेट ऑफ यार क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू एयर इज इनवर्सली वन बाय, लग गया मतलब इनवर्सली समझिएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज ऑफ गैसेस। अरे इसको देख करके बोल ना सकते भाई, क्या बोल रहा हम, देखिए आर का मतलब बता दिया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू एयर, तो लिखेगा ग्राम सला में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज, ये वन बाय है तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, ये दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज ऑफ गैसेस।
तो यही करेक्ट ऑप्शन था, उसी को चूज करना था आपको जो भी हम बोल के बताए, ठीक है। तो गेस लॉ आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोन्स इंडिकेट रेशो ऑफ 0.4 इंडिकेट्स, और ये तीन ऑप्शन दिए आपको, नो फायर, ऑयल फायर, कोल फायर, ठीक है। सबसे पहले आपको जोन्स इंडिकेट रेशो और हेल्डन इंडिकेट रेशो के बारे में जानकारी चाहिए। आप लोग यदि मेरे चैनल में जाकर के एक्सप्लोजन का वीडियो देखे होंगे, जिसमें टाइप ऑफ एक्सप्लोजन हम कैसे निर्धारित करते हैं, कि कैसे पता करेंगे कि जो एक्सप्लोजन हुआ था वो कोल्डस्ट का एक्सप्लोजन था या गैस का एक्सप्लोजन था, उसका एनालिसिस जो करते हैं, उसका भी हम एक वीडियो भेजे है, और एक वीडियो भेजे है कि कहां से ओरिजिन हुआ, कहां से चालू हुआ, उस टाइप की वीडियो है, जाके देखेगा। उसमें से खास तौर से आप ये जो टाइप ऑफ एक्सप्लोजन वाला जो वीडियो है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले, उसको जाके जरूर देखेगा, उसमें बहुत सारा चीज बताया है। तो ये जो जोन्स एंड ट्रिकेट रेशियो है ये किसके लिए है? फायर के लिए नहीं है, तो यहां तो आंसर हो जाएगा मेरा नो फायर, ठीक है। ये किसके लिए? टाइप ऑफ एक्सप्लोजन को पता करने के लिए है। जो आफ्टर डैम्प होता है, एक्सप्लोजन के बाद जो वहां पर माइन में हवा बना, उसी को नाम आफ्टर डैम्प बोलते हैं। आफ्टर मतलब बाद में, डैम्प मतलब गैस, एक्सप्लोजन के बाद जो गैसेस पैदा हुई उनको बोलते हैं आफ्टर डैम। उस आफ्टर डैम का हम सैंपल लेंगे और सैंपल से जोन एंड ट्रिकेट रेशो कैलकुलेट करेंगे, हेल्डन एंड ट्रिकेट रेशो कैलकुलेट करेंगे, और भी बहुत सारा एनालिसिस करते वहां जाके देखेगा, परसेंटेज ऑफ सी वो देखेंगे, ठीक है, कितना बार प्रेशर प्रोड्यूस हुआ वो देखेंगे, ठीक है, वो वहां पे जाके देखेगा मेरे वीडियो में। जोन्स एंड ट्रिकेट रेशो, तो अब जब इसकी बात आई तो इसको बता दे, जोन्स एंड ट्रिकेट रेशो कैसे याद रखें, बड़का लंबा है, पता कुछ नहीं है, अरे कोई भी चीज जलेगा, एक्सप्लोजन भी क्या है, एक प्रकार से हाई रेट ऑफ बर्निंग है, एक्सप्लोजन क्या हाई रेट ऑफ बर्निंग है, तो बर्न होगा, इनकम्प्लीट कम्बस्टन होगा, इनसफिशियंट ऑक्सीजन में कोई पदार्थ जलेगा तो सीओ पैदा होता है, ये बताए थे आप लोगों को। लेकिन सीओ अधिक पैदा होगा, सीओ टू कम होगा इनकम्प्लीट में, यदि कंप्लीट भी कंप्लीट होगा तो सिर्फ सीओ टू पैदा होगा, कंप्लीट कम्बस्टन सिर्फ सीओ टू, लेकिन दुनिया का कोई भी कम्बस्टन कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए सीओ और सीओ टू दोनों रहेगा, ठीक है, तो वो ले लेंगे। ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ उसको लेना ना होगा, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, और कोल माइंस में हाइड्रोजन गैस भी थोड़ा मोड़ा मिलता है, तो क्योंकि ये मीथेन से भी ज्यादा इन्फर्नल गैस है, उसको अकाउंट में लेके, यही तो तीन चीज लिया है, सीओ टू लिया, सीओ लिया, एच टू लिया, दोनों में यही फार्मूला है, और ये हेल्डन टिकट उसमें N2 को भी ले लिया है। तो क्या करेंगे हम, जो आफ्टर डे में परसेंटेज आए CO2 का परसेंटेज यहां लिख देंगे, प्लस 0.75 CO परसेंटेज। अब आप कहीं बोलिएगा सर 3/4 ना लिखा था एक जगह, तो अरे भैया 3/4 को डिवाइड करके देखना इतना ना आएगा 0.75, वो याद रखने में दिक्कत होता, लिखने में दिक्कत होता, तो क्या लिख दिया 0.075 CO परसेंट माइनस 0.25 H2 मतलब 1/4 H2 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड या यूज्ड। अब इसमें हमने जो आफ्टर डैम का एनालिसिस आया, CO CO2 का परसेंटेज, H2 का परसेंटेज, ऑक्सीजन जो कंज्यूम हुआ, वो हमारे पास एनालिसिस आ गया, रिजल्ट आ गया, इस फॉर्मूला में रखा तो कोई एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू का क्या मीनिंग होता। यदि ये टीआर मतलब जोन्स एंड ट्रिकेट रेशो यदि 0.5 आधा के बराबर या उससे कम है, ट्रिकेट रेशो इज लेस देन आर इक्वल टू 0.5, दिस इंडिकेट्स फायर डैम्प एक्सप्लोजन आर गैस एक्सप्लोजन। बट इफ दिस ट्रिकेट रेशो वैल्यू कम्स टू मोर देन 0.85, देन इट शोज आर इट इंडिकेट्स फायर डैम, सॉरी कोल्डस्ट एक्सप्लोजन, सीडी लिखा हुआ, सीडी मतलब कोल्डस्ट एक्सप्लोजन। और यदि इन दोनों के बीच में वैल्यू है 0.5 और 0.85 के
बीच में टीआर का वैल्यू आया, टीआर मतलब टिकट रेशो का वैल्यू आया, तो ये मिक्स एक्सप्लोजन बता रहा है, कोल्डेस्ट और गैस दोनों का एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, सेम पैटर्न में हेल्डन एंड टिकट रेशो जिसको हमने एच टी लिखा है, तो इसका भी क्या है, सीओ टू परसेंटेज प्लस 0.75 सीओ माइनस 0.25 एस टू डिवाइडेड बाय, या थोड़ा चेंज हुआ 0.265 इंटू माइनस ओ टू कंज्यूम। इसमें क्या है, देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां पर भी एच टी भी बोल रहा है हेल्डन एंड टिकट रेशो लेस देन इक्वल टू 0.5 आता है, तो फायर डैम्प एक्सप्लोजन मतलब गैस एक्सप्लोजन, और मोर देन 0.85 आता है तो कोल्डेस्ट है, यहाँ पे 0.85 के बाद है, तो हम दोनों तरीके से क्या करेंगे उसको कंफर्म करेंगे। तो ये किसके लिए है, टाइप ऑफ एक्सप्लोजन को जानने के लिए, जॉनसन टिकट रेशो एंड हेल्डन एंड टिकट रेशो है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको तो मेरे चैनल में जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे 20 जगह हम कहीं ना कहीं डिस्कस किए, फिर भी एक बार जो नए कैंडिडेट होंगे उनके लिए, द एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इन माइन एटमोस्फियर ड्यूरिंग इज शिफ्ट शैल नॉट एक्सीड ब्लैंक वेयर फ्री सिलिका इज आर लेस। क्या बोल रहा हूं कि कुल मिला के, और इसको हमने और छोटा किए, क्वेश्चन और लंबा था, क्या बोला कि एवरेज डस्ट कंसेंट्रेशन कितना चाहिए और फ्री सिलिका कितना परसेंट से है या उससे कम है तब कितना चाहिए, क्योंकि दो शर्त है वहां पे, आपका जो रेगुलेशन 143 है, हम रेगुलेशन 143 से 148 तक पूरा लगातार भेज दिए हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा एक बार। 143 में क्या बोला है, परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न डस्ट दिया है, कितना दिया है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन कब दिया है ये, कब के लिए, हमेशा के लिए नहीं है, 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब कब के लिए है, जब आपका फ्री सिलिका जो है, एफएस मतलब फ्री सिलिका 5% आर लेस है, 5% या उससे कम आपका फ्री सिलिका है, तब आपका एयरबोर्न डस्ट का परमिसिबल लिमिट कितना रहेगा 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अदर केस का मतलब क्या हुआ, मोर देन 5% फ्री सिलिका, अदर केस भी दिया है, अदर केस मतलब मोर देन 5% फ्री सिलिका दिया है। एक दिन हम ऐसे कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि 7% फ्री सिलिका है तो डस्ट कंसंट्रेशन कितना होगा, यदि जिन लोगों ने देखा होगा तो याद आ रहा होगा। ठीक है, तो अदर केस में क्या बोलता हो, मतलब वो केस जिसमें मोर देन 5% फ्री सिलिका यदि है डस्ट में, तब एवरेज डस्ट कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 10 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, और इसका यूनिट क्या रहेगा, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यदि मोर देन 5% फ्री सिलिका है तो 10 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, क्या टाइम निकलेगा, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, तो आपका कौन सा आंसर होगा, दिस इज योर आंसर, क्योंकि आर और लेस वाला लगा है, मतलब 5% या कम है, तब 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब रहेगा। हम लोग जब पढ़ते थे तब अलग था, वो वाला मत लिख दीजिएगा। ठीक है,